हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ, यदि आपका जीरोक्स मशीन है, यदि आपका जीरोक्स मशीन है 2200 या 3300, तो उसमें यदि आईडी आपको आईडी शॉर्टकट डालना हो तो आप किस तरह से आईडी का शॉर्टकट डालेंगे जिससे आप आईडी बना सकें और आईडी की कॉपी कर सकें। नहीं तो आप कॉपी करने के लिए अलग ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। इसलिए एक शॉर्टकट होता है जिसके माध्यम से आप आईडी को आप शॉर्टकट बना करके डिस्प्ले में रख सकते हैं, जिससे आप टच करते ही आईडी आ जाएगी और आप उसको स्कैन करके कॉपी प्रिंट निकाल सकते हैं दोनों का एक ही बार में। आईडी का आगे का भी पीछे का भी, चाहे आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो या राशन कार्ड हो, यदि आपके दो साइड आपको कॉपी करनी है तो एक ही बार में दोनों साइड का आप कर सकते हैं। तो आईडी इस तरह से जीरोक्स मशीन में कैसे करेंगे, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करता हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले में, आपको यहाँ पर इमेज कॉम्बिनेशन में जाना है। इमेज कॉम्बिनेशन इस पर टच करना है, डिस्प्ले पे जो दिखाई देता है उसमें इमेज कॉम्बिनेशन में जाएंगे। उसके बाद पेपर सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। A4R या A4 में जिसमें आप देना चाहते हैं पेपर को, टू साइड पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ से जो आपकी ड्राइव चल रही हो, कैसेट चल रही हो, उस पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जाना है आईडी की, जो आपको हल्का करना हो, गहरा करना हो। यहाँ पर ऑटो लिखी आ रही है, इसको आपको 100 करना है। नीचे आपको टच करना है 100, फिर आप बैक में जाएंगे, मेमोरी मोड में जाएंगे, इमेज कॉम्बिनेशन में जा करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यदि आईडी है तो उसको पहले से सेव है तो कोई बात नहीं है, ये नहीं तो आप उसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर स्टोर पर क्लिक करेंगे, स्टोर नेम पर क्लिक करेंगे। स्टोर नेम क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर आप यदि इसको बड़ा बड़ा लिखना चाहते हैं तो आप बड़ा लिख सकते हैं। शिफ्ट दबा, ऊपर लिखा हुआ है शिफ्ट, उसको टच करेंगे और आईडी पर आपको टच करना है। आई सामने जो ऊपर के अक्षर में दिखाई दे रही, इसके बाद डी, आईडी आ जाए। इसके बाद आपको फिर दोबारा नेक्स्ट पे जाना है, फिर जाना है आपको नेक्स्ट स्टोरेज नेम और स्टोरेज पर क्लिक करना है। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद आप फिर जाएंगे जो कीपैड में आपके दिया होता है, मेमोरी में एक बार फिर से कीपैड में दिया होता है एक बटन, इसे स्टार कहते हैं, स्टार पर दबाएंगे। स्टार दबाते ही रेड लाइट जल जाएगी, 1 2 3 तीसरे नंबर पर स्टार, इस बटन को आपको दबाना है। जैसे ही दबाएंगे रेड लाइट जल जाएगी। और यहाँ पर कॉपी सेटिंग में आपको जाना है, सबसे ऊपर है कॉपी सेटिंग, कॉपी सेटिंग में जाना है। कॉपी सेटिंग में सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर जाना है, या दो ऑप्शन दिए किसी एक में आपको जाना है, ओके करना है। नीचे जाना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से, ड्रॉप डाउन मेन्यू से नीचे जा करके आपको मेमोरी पर टच करना है और मेमोरी पे आपके M1 या M2 जिसमें आपने आईडी को सेव कर रखा है, मेमोरी M1, नीचे ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे कैंसिलेशन बटन दबा के, तो आप देखेंगे कि आईडी का एक ऑप्शन आपका शॉर्टकट नीचे बन गया है। इसे आप दबाते ही अपने आप ऑटो आईडी लेना शुरू कर देगा, जिसे आप किसी भी आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि की, राशन कार्ड की